वो पहली हालत में जैसे मतलब रुकू करने के बाद रुकू नहीं, के जमात रुकू में होती है तो रुकू में जाने के लिए पहले हाथ बांधते हैं फिर रुकू में जाते हैं। इमाम रुकू में है तो जो पीछे आते हैं वो पहले आके तकबीर बोल के हाथ बांधते हैं और फिर रुकू में जाता है। नहीं, ये करने की कोई तकबीर बोल के सीधा अल्लाह अकबर क्या, और चाहिए कि एक दूसरा अल्लाह अकबर भी क्या, एक अल्लाह अकबर नमाज को शुरू करने का, एक वीर तारीम जी दोनों नमाज में, दूसरा रुकू को जाने का। हाँ, वो जो रुकू वाला ही अल्लाह, तो फिर हाथ भी बांध ले जैसा क़याम में बांधते, कोई नहीं बांध, दो दफा अल्लाह अकबर, दो दफा अगर एक ही कह रहे हैं नमाज तो ठीक है मगर दो कहने। तो ये अब जो नया मसला बना दिया है बहुत अहले हदीसों के, सूरह फातिहा ना पढ़ी रुकू में जाने से पहले, तो नहीं ये इनका तशद्दुद, ये नई चीज है ना, ये पहले कोई नहीं था। खड़े खड़े फातिहा पढ़ने की बात अलग है कि मगर रुकू में जो शामिल हो गया उसकी रकत बरकुटी इस जमाना में, इस पर तो अल्लामा रब्बानी ने कई सफ़े लिखे और कितने साहबा का दिखाया कि जो रुकू में मिला उसने रकत मारी, किसी ने दोबारा लिखा। उन्होंने कहा भी है कि सेल्फियों को चाहिए जेद छोड़, बिल्कुल ये जेद है कोई बात कू में चला गया रख रहे हैं। अल्लाह रख ठीक, रख की कोई बात नहीं।